बिल्कुल खाली, गर्म कयाज किए हमारे हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बिलाल फ्रॉम आरबी दंत। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना हम स्टार्ट ना कुछ थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि सबील वाली गली में कोई भी नहीं आया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त मैं अपनी छत पे मौजूद हूँ, तो छत पे बाजा डालने आया था। डालना दिन का टाइम चाहिए, लेकिन ना भैया सुबह में सोया हुआ था, तो इस टाइम उठा जुम्मा पढ़ के आया हूँ। तो ये आप देखें, बिस्मिल्लाह। तो दूसरी नाली ये पड़ी है, किसी टैंकी पे रखी हुई है। थोड़ा हम साइड में भी डालेंगे बाजरा, ताकि कबूतर जो कनाली में है ना, अगर इतने सारे कबूतर होते हैं, क्योंकि कनाली में तो इकट्ठे तो आ नहीं सकते, थोड़ा सा हम ज़मीन पे डाल देंगे बाजरा, ताकि जो है दूसरे कबूतर भी खा लें। तो बाकी ना हम पानी डाल दें इधर, तो पौधे को भी थोड़ा दे दें। तो आप देख सकते हैं पौधा थोड़ा डे दे, क्योंकि खुशक खुशक लग रहा है। थोड़ा पानी पौधे पर डाल दी, बाकी इधर हम कनाली में डाल देते हैं। तो यार मुझे ना एक बात आप सबसे पूछनी है, किसी ने पौधा रखा हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताए। यार देखे ना, इसकी जड़ ना बिल्कुल टेढ़ी हुई हुई है। पहले इसका ये जो गमला ना ये था छोटा था, ठीक है ना, तो उसकी वजह जड़ भी बाहर आई, ठीक है ना। तो अब मैंने थोड़ा सा ना ये ऐसे ही टेढ़ा हो गया था, तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से जाकर गरीशों से कनाली लेकर आया था। वो आपने देखा होगा, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, जिसमें मेरी बाइक की टैंकी के जो है ना खड़ा निशान पड़ गए थे, तो गमले की इसी गमले की वजह से पड़े थे। तो मुझे यार आप नीचे कमेंट से बताना इसके साथ क्या किया जाए, या इसका क्या हल है। इसको धूप में भी रखा हुआ है, ये सीधा खड़ा होने की बजाय ना टेढ़ा हो रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। तो आज का व्लॉग ना फिर ज़्यादा बना नहीं बनाऊँगा, क्योंकि व्लॉग ना वो पिछला मैंने ना बनाया था 20 मिनट का, तो 20 से 22 मिनट का व्लॉग बन गया था रश की वजह से भी। और रही बात, मैंने ना शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया रात को, तो उस पर माशाल्लाह बहुत अच्छा ना रिस्पांस मिला मुझे। वो जो शॉर्ट्स वीडियो ना वो गेमिंग की है, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर गेमिंग भी शुरू करूँगा, लेकिन मेरा जो चैनल है ना एक और गेमिंग चैनल, तो उस पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला, इसी वजह से मैंने बंद कर दिया अपना चैनल। उस पर अगर आप अभी भी देखें ना, उस पर कोई व्यूज़ नहीं है, 10 से ऊपर तो व्यूज़ में जा ही नहीं रहे, ठीक है ना। उस पर व्यूज़ बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं। अच्छा तो यार इस पर भी ना व्यूज़ में बहुत स्टक हुए हुए हैं, 30 के पास जाते हैं उसके बाद वहीं स्टक हो जाते हैं। पहले माशाल्लाह मेरे 80-90 तक तो व्यूज़ आ ही जाते थे। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी साथ साथ ना उतार चढ़ाव आती रहते हैं, कोई नहीं इंशाल्लाह फिर व्यूज़ आ जाएंगे। तो आज का व्लॉग ना हम करते हैं बाहर निकल के शुरू। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर पहले ना छत आपको दिखाई दे और धूप भी दिखाई दे। तो माशाल्लाह आप देखते हैं कितनी कड़ाड़ी धूप है। तो माशाल्लाह कारपेट इतने अरसे बाद खिला रहा है हमने यहाँ पर, तो आप देख लें माशाल्लाह धूप कितनी करा रही है, और आप बाहर का भी मंजर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा धूप में, आप देखें ना। ये डोगी की आवाज़ आई मुझे यहाँ पर, तो आप देखें ना वो वाह शाही इमाम नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर किसी का डोगी था, तो वो बोल रहा है। तो वहाँ पर ना लेडीज़ खड़ी है, तो मैं इसलिए दिखा नहीं सकता दूसरी छत पे। तो आप बाकी माशाल्लाह देख लें, वहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूर दूर तक हमारी छत से सारा नज़र आता है। तो यार मुझे ना किसी ने पीछे कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे कहा था कि यार तू क्या फजूल बोल रहा है, कहाँ से मोटर वे की लाइटें नज़र आती हैं। तो यार दिन के टाइम तो नज़र नहीं आती, रात के टाइम जलती हुई महसूस होती हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, दिन के टाइम देख सकते हैं माशाल्लाह दूर दूर तक ना हमें नज़र आता सारा, अल्लाह के फजलों का नाम। हमारी छत वाकई ना बहुत बुलंदी पर है, तो हमसे बुलंदी पर ये वाली छत है, इस पर चढ़े तो और जो है ना दूर दूर से नज़र आए हमें सारा। वो जो आप गुंबद देख रहे हैं ना, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान का गुंबद है, तो इस पर इंशाल्लाह ना कभी मैं व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आप देखो माशाल्लाह कितने सारे कबूतर बैठे दिन के टाइम इधर आए होते हैं, और चिड़िया आ रही हैं। तो चिड़िया अभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस छत पर हम मौजूद हैं, अगर हम नीचे उतरेंगे ना तो हमारे पीछे आ जाएंगी बहुत सारी चिड़िया। ये देखिए मेरे आगे से गई,
डॉगी भी मौजूद है, वो देखें, वो देखें डॉगी। अबे चुप कर जा समा। तो फ्रेंड तो मैंने यहाँ से वीडियो स्किप कर दी है, नीचे उतर तो मैंने वो ना मैंने ना डॉगी को ना अपने जो मेरी लव स्टोरी में तीसरा आदमी आया था ना, तो मैंने उसके नाम से ना डॉगी को चुप करा दिया था, तो उससे भी उसका नाम पसंद नहीं। तो अभी बाहर निकल करते हैं व्लॉग शुरू। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हम आए हैं मकई लेने के लिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो तो अपना 20 रुपये दिए कर दियो, तो 20 रुपये दो जगह दे वो कर दियो। तो आप देख ले नीचे लकड़ी जलती है और ऐसा भी एक चीज़ होती है, रेत होती है क्या होता है, नमक है सही। अच्छा तो नमक होता है ये, सही हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख ले नमक में इसे गर्म किया जाता है, पकाया जाता है। ये देख लें अब हमारी मकई अच्छी तरह हो गई तैयार, अब से आ जाती है निकालने की बारी। तो मैं पहले समझा करता था ये रेत हुआ करती है, तो भाई साहब ने बताया कि नमक नमक होता है ये। आप देख ले अभी एक और हम लगवा रहे हैं। तो आ जाती है मकई को पैकेट में डालने की बारी। अच्छा एक ना मुझे दे दे, मैं उधर आंटी को दे दें, एक मुझे दे दे वो आंटी। आप देख ले। तो भाई साहब गर्मा गर्म मकई आज की है हमारे हाथ, दो नरम वाली एक सख्त वाली कहते हैं हमसे, तो अभी हम गाड़ी लेकर चलते हैं और फिर सबील वाली के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड इस वक्त आज को मैं दिल्ली गेट, तो इस वक्त हम जा रहे हैं सबील वाली गली की तरफ। तो रिक्शा तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं खड़ा है मेहमानों वाला, लेकिन कोई आया नहीं यार, वैसे पिछले फ्राइडे मिस किया। अच्छा जो बाहर दिल्ली गेट आपने वैनिटी देखी थी ना, वो असल में नुमान जहाज आए थे, तो उस वीडियो लिंक भी आपको मैं डाल दूँगा फेसबुक पर, आपको मिलेगी वो वीडियो। तो इस बात आ चुका मैं सबील वाली गली में, वो मैं आपको ना सबील वाली गली दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख लें तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो पिछले फ्राइडे ना वो पता नहीं क्या नाम है यार, वो भाई एक मास्टर पेंटिंग मशहूर में आते थे पहले, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नबील शायद नाम है, नबील शायद पता नहीं यार, तो वो आए थे। हाँ और जो जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, अच्छा तो ये रास्ता ना आपको दिखा दूँ, ये रास्ता निकल रहा है मच्छी मंडी की तरफ, ये भी इतफाकन खुला, वो रास्ता देख लेना, ये मेहा मिर्च मसालों की फैक्ट्री है, वो रास्ता उधर मच्छी मंडी की तरफ निकलता है। तो बाकी आप देख लें एक सर डेकोरेशन के काम आता है, बहुत प्यारा है। तो थंबनेल भी तैयार करना होगा हमें फिर। अच्छा तो फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा था ना कि नबील शाह नाम के कोई एक्टर आए हुए थे इधर, ठीक है, पिछले फ्राइडे तो मैं मिस कर दिया, तो मैंने आपको व्लॉग डाला था, मैं उधर गया था गुसल मुबारक पे, तो बस रात को 4-5 बजे उधर से वापस आए, तो फिर सो गया, फिर जुम्मा पढ़ने वक्त उठाऊँ, फिर मैं आ गया ना घर लेट सो चुका था। अच्छा जो मैंने आपको वैनिटी दिखाई थी ना बाहर, जो शूटिंग का आपको सामान नज़र आ रहा था, वो ना असल में नुमान जहाज आए थे इधर, जिन्होंने परिजात में ना वो क्या नाम है अपना परिजात में जिन्होंने बहरोज क्रीम का करेक्टर अदा किया हुआ है, तो बस मिल नहीं सका क्योंकि घर में काम था कुछ, तो उस वजह से ना मुझे नहीं पता लगा, मुझे बाद में आइडिया हुआ कि वो आए हुए थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मुलाकात करेंगे, अगर हमें अगर एक्टिंग का शौक़ है ना तो ऐसे लोगों से ना बना के रखनी पड़ती है फिर, तो बाकी आप खुद समझदार है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सबील वाली गली बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो आज का जो व्लॉग था ना मैंने अपने दोस्त उमैर की छत पे करना था, तो वो कर नहीं पाया क्योंकि वो ना ऑफिस गया, ठीक है ना, ऑफिस के काम की वजह से ना वो आ नहीं सकता, तो
तो इतना कोई इशू नहीं है, वही नेक्स्ट फ्राइडे कर लेंगे क्योंकि ऑफिस का काम है तो किसी का काम ज़्यादा भी आ जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ना ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ चुका अपने कमरे में, तो अपना सूट भी इस्त्री करना है क्योंकि आज मेरे दोस्त की है शादी, तो जिसने मुझे जिम सिखाई करना, तो उसकी शादी में आज मैंने जाना है, उसकी बदौलत ना मुझे जिम करनी आती है आज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।